हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज को आप तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है आप अपने फ़ोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर में काफ़ी सारे क्लाउड्स ऐप स्टोरेज ऐप अवेलेबल पहले से होते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है आप अपने फ़ोन से फालतू का डेटा हटा देंगे तो इससे आपके फ़ोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फ़ोन से फालतू का डेटा हटा के आप फ़ोन का स्टोरेज कैसे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को आपको बंद करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन करता हूँ। इसमें देखिए राइट साइड की टॉप पर ये प्रोफाइल पिक्चर है, इसे टैप करना है, आपका ये पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है। तो ये बैकअप इसे ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग को बंद रखना है इसी तरीके से, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन की गैलरी में आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट करनी है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप हैं उन सभी फालतू के ऐप को भी अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। आखिरी काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।